एनी थिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज़ कॉल्ड डैश यहाँ कह रहे हैं कि वो हर चीज़ जो कि स्पेस घेरती है जगह घेरती है और जिसके पास मास है मीन्स पार्टिकल से बनी हुई है उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं हम मैटर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यहाँ कह रहे हैं वो साइंस की ब्रांच जो कि किसके साथ डील करती है कंपोजिशन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी मैटर के कंपोजिशन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की स्टडी इसमें इसमें की जाती है उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं आंसर है केमिस्ट्री ठीक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट आर द फाइव तत्वाज़ और एलिमेंट्स बाय विच ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलासफर्स तो क्वेश्चन ने कहा है कि इंडियन फिलासफ़र के अकॉर्डिंग जो पाँच तत्व हैं या फाइव एलिमेंट्स हैं जिनसे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं तो आंसर है एयर अर्थ फायर स्काई वाटर ठीक है नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज व्हाट आर दे तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि साइंटिस्ट ने मैटर को उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर दो तरह से क्लासीफाई किया है टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है वो कौन कौन से आंसर है पहले फिजिकल क्लासीफिकेशन जो उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर किया गया है उसमें है सॉलिड लिक्विड और गैस yes, ठीक और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के मिक्सचर में उन्हें क्लासिफाई किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट आर द फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर की फाइव स्टेट्स कौन कौन सी हैं आंसर है सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तो पांच स्टेट है तीन तो हम बहुत अच्छे से तो जानते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस और ये दो और स्टेट्स हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तो इस तरह से पांच स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स द हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड डैश तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है सॉलिड जो होते हैं उन्हें उनके जो पार्टिकल्स होते हैं जो भी कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स है वो बहुत हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट में होते हैं थ्री स्ट्रक्चर में ठीक है तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं लेटेस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिगर इज शोइंग द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पर तीन फिगर्स हैं ए बी और सी इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो सॉलिड स्टेट को सॉलिड स्टेट को बता रहा है तो यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिकल पास पास इसमें बताए गए हैं पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं ठीक है इसमें थोड़ी दूर है और इसमें बहुत दूर हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा सॉलिड स्टेट हो जाएगी क्योंकि तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं तो फिगर बी इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड फ्लोइंग की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं ठीक तो जो पार्टिकल्स हैं वो बह सकते हैं जैसे कि गैस में और लिक्विड में ऐसा हो सकता है तो इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं इसीलिए इन दोनों को फ्लूइड कहते हैं नेक्स्ट है लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड वाई लिक्विड और गैस फ्लूइड क्यों है तो वो उसका आंसर हमें यहीं मिल गया क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं दे आर फ्लूइड बिकॉज दे कैन फ्लो ठीक है इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं मूव कर सकते हैं इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं फ्लूइड कहते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ आयोनाइज गैसेज तो वो कौन सी मैटर की स्टेट है जो कि आयोनाइज गैस कंसिस्ट करती है आंसर है प्लाज्मा स्टेट तो प्लाज्मा स्टेट ऐसी स्टेट है जो आयोनाइज गैस के कारण बनी है